मामले पर हल्द्वानी पुलिस ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर लेने के मामले में अब्तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान विरोधी ट्रैक्टर रैली निकाल जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के मामले में यह कार्रवाई हुई थी। मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता एसपीसीटी से मिले थे, लेकिन असंतुष्ट होने पर एसपीसीटी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिदिन ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लिहाजा प्रदेश सरकार एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूचिया ने आरोप लगाया कि जब सीएम हल्द्वानी दौरे पर थे तब भी कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी, लेकिन सीएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? रैली निकालने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही क्यों कार्रवाई की जाती है? विरोध में एसपी कार्यालय पर ये तमाम कार्यकर्ता बैठे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई बड़े सवाल भी खड़े किए गए। कुल उत्तराखंड में जो चल रहा है, सरकार द्वारा पूरी तरह भेदभाव किया जा रहा है। हमारी रैली को जो किसान के जो बिल के विरोध में जो कांग्रेस ने रैली की थी, जिसकी परमिशन थी, रूट की परमिशन थी, उसी रूट में वो रैली गई और हमसे ये कहा गया कि भाई आपका जुलूस इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसकी वजह से जाम लग गया और जिस वजह से मुकदमे लगाए गए। तो ये बताइए कि उस जुलूस में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और उसकी रूट की व्यवस्था करना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। हमने उनसे सवाल किया, जब मुख्यमंत्री जी आए थे आपने रूट डाइवर्ट किया, पूरा शहर में जाम की स्थिति थी, लोग परेशान हो गए, एक घंटे तक आपने रूट डाइवर्ट करके लोगों को परेशान किया, और क्या आप मुख्यमंत्री पर मुकदमे लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन और जो उनकी रैली थी उसके पश्चात जो उनका धरना प्रदर्शन हुआ, निश्चित रूप से कानून अपना काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में कानून अपना अच्छी तरीके से पालन कर रहा है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपनी रिपोर्ट दिखा सकता है, कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी बहुत नज़दीक है यहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि त्रिवेंद्र सरकार में कानून अपना किसी भी पक्षपात के साथ इस प्रकार के काम नहीं कर रहा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तारा जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। तारा, जिस तरीके से रैलियों का दौर देखने को मिल रहा है, बैठकें हो रही हैं, हालांकि कोविड की जो तमाम गाइडलाइंस है उसका हर बार यहां पर पालन नहीं किया जाता, सरेआम धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें सामने आती है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अब इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका यह कहना है कि ऐसे मामलों में कांग्रेस के खिलाफ तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन बीजेपी को क्यों छोड़ दिया जाता है? जी देखिए, ये 12 अक्टूबर को जो किसान रैली यहाँ पर की थी कांग्रेस ने, उसको लेकर ये सवाल उठे हैं। और उसके बाद जब वो रैली हुई थी उसी शाम को पुलिस ने 130 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये मुकदमे किए थे, जिसके विरोध में कांग्रेसी एसएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे और उन्होंने आरोप लगाया था। उनके प्रदेश प्रवक्ता हैं दीपक बलूटिया, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस जो सरकार प्रदेश में चल रही है वो भेदभावपूर्ण तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं लगातार, जो उनके अध्यक्ष हैं बंसीधर भगत, वो भी बहुत सारी जनसभाएं आजकल मतलब लोगों से मिल रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियां यदि कहें तो कोविड के नियमों की जो धज्जियां हैं वो दोनों ही तरफ से उड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि यहाँ पर सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तो मुकदमे लिखे जाते हैं, जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का जो व्यवहार है वो नहीं किया हो रहा है। तो पुलिस बिल्कुल तारा, ऐसे में बीजेपी की तरफ से इन सवालों को लेकर क्या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री हैं गजराज सिंह बिष्ट, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस का ये मानना कि भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रही है राज्य सरकार, ये पूरी तरह गलत है और कानून अपना काम कर रहा है, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोविड के नियमों का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार धरने पर हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा भेदभाव आखिरकार क्यों हो रहा है।